ब्रिटेन को हाल ही में नई प्रधानमंत्री मिली है। लिज ट्रस भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन अब उनकी नई सरकार पर भी खतरा मंडराने लगा है। ब्रिटिश मीडिया में खबरें चल रही हैं कि लोग चाहते हैं कि ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और अब इन सभी के बीच एक नया बवाल शुरू हो गया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कैबिनेट में भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भारत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने ब्रिटेन और भारत के बीच हो रहे व्यापार समझौते को लेकर चिंता जाहिर की है, जबकि प्रधानमंत्री लिज ट्रस चाहती हैं कि दिवाली तक भारत के साथ व्यापार समझौता साइन कर लिया जाए। भारत सरकार की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि भारतीय नागरिकों के लिए वर्क और स्टडी वीजा की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन सुएला ब्रेवरमैन अब इस डील का जमकर विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इस डील के बाद ब्रिटेन में इमिग्रेशन बढ़ सकता है और भारी संख्या में वहां भारतीय लोग पहुंच सकते हैं। ब्रेवरमैन ने भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद लेस्टर में हुए दंगों के लिए भी प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया है। सुएला ब्रेवरमैन ने भारतीयों को ऐसे लोगों का विशाल समूह करार दे दिया है जो ब्रिटेन में वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं। ब्रेवरमैन के बयान के बाद ब्रिटेन में भारत के उच्चायोग ने भारतीय मूल के गृहमंत्री सुएला के दावे पर आपत्ति व्यक्त की है। जानकारी के लिए बता दें कि 42 साल की सुएला ब्रेवरमैन भारत के गोवा की रहने वाली हैं। ब्रेवरमैन लिज ट्रस की सबसे बड़ी समर्थक हैं। जुलाई के महीने में जब लिज ट्रस ऋषि सुनक से पीछे चल रही थी, तो सुएला ब्रेवरमैन ने लिज ट्रस के लिए पूरा जोर लगा दिया था।